द फूल हु नोज हिज फूलिशनेस इज वाइज एट लीस्ट सो फार बट अ फूल हु थिंक्स हिमसेल्फ वाइज ही इज कॉल्ड अ फूल इंडीड. जिस क्षण में जान जाओ अपनी बेवकूफी को, कम से कम उस क्षण में बेवकूफ नहीं रहे, अगले की कोई गारंटी नहीं, बस वो इतना ही कह रहे हैं कि कम से कम उस क्षण तक, एटलीस्ट सो फार, अगले में फिर तुम फिसलोगे, अगले में फिर तुम संसार द्वारा खींचे जाओगे वापस, दुनिया तुम्हें वापस खींचेगी, पर कम से कम अभी तुमने एक क्षण जी लिया पूरी तरह से जिंदा होकर के. परिवार, समाज, मन सुलाएगा तुमको, फिर सुला देगा. आ रही बात समझ में? लेकिन वो मूर्ख जिसने ये धारणा पाल ली है कि मैं तो जान गया या जान रहा हूं, जानता हूं, ये तो पक्का वाला है, इसको कोई नहीं हिला सकता, इसको नहीं हिला पाओगे. ह्यूमिलिटी ये है. गुड मॉर्निंग सर बोल दिया, हाँ, या किसी के सामने थोड़ा दबी जबान में बात करी, वो नहीं ह्यूमिलिटी कहलाती. या मंदिर मस्जिद में घुसे तो सर झुका के घुसे, ये नहीं ह्यूमिलिटी होती. मन के पागलपन को, पागलपन जानना ही ह्यूमिलिटी है और कुछ नहीं ह्यूमिलिटी है. ये जानना कि मन कितना सीमित है, सारी सोच बाहर से आती है, कंडीशनिंग से आती है, अतीत से आती है, कितना छोटा उसका दायरा है जिसमें वो भटकता रहता है, यही ह्यूमिलिटी है. बात समझ में आ रही है? ह्यूमिलिटी का ये अर्थ, ह्यूमिलिटी ये नहीं है कि किसी को किसी खास संबोधन से पुकार लिया, या ये कह दिया कि यू नो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ये नहीं ह्यूमिलिटी होती. ये तो बल्कि और अहंकार का सूचक है. जब भी किसी को इस तरह की भाषा का प्रयोग करते देखो तो समझ जाओ कि नकली, नकली तो अहंकार ही होता है. जब भी कोई नकली भाषा का प्रयोग कर रहा हो तो समझ जाओ महा, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट योर आर्ग्यूमेंट, अरे जो बोलना है बोलो, बेवकूफ क्यों बना रहे हो और किसको बना रहे हो? मजे की बात ये, नजर तुम्हारी अभी भी यही है कि मुझे बेवकूफ बना लोगे. फूल अगर ये जान ही रहा हो कि बेवकूफ वो हमेशा, तो नहीं बनाएगा बेवकूफ फिर. सारा खेल यहीं पर आकर सिमट जाता है कि मन ये जान ले कि वो सीमित है और उसके पार कुछ है, ये श्रद्धा बनी रहे. सीमा बताती है कि पार कुछ है. मन ये जान ले कि मेरे क्रियाकलाप तो नकली हैं पर मैं हूं, ये बात असली है, फिर ये श्रद्धा कहलाती है. यही ह्यूमिलिटी है. प्रेम भी तभी हो सकता है, मन के भीतर नहीं होता प्रेम, कि किसी से मन लग गया तो प्रेम हो गया. मन तो आपका अपने जैसे से किसी पे लग जाएगा. आप पुरुष हो तो आपका स्त्री से लग जाएगा, आप लालची हो तो पैसे से लग जाएगा, आप और बड़े लालची हो तो इज्जत से लग जाएगा. मन तो आपका किसी अपने जैसी चीज से लग जाएगा. मन लगने का नाम प्रेम नहीं है कि तुम्हारा मेरा मन लग गया. प्रेम है प्रेमपूर्ण होना, और मन में प्रेम जैसी कोई चीज नहीं होती. वहां पे सिर्फ और सिर्फ डिजायर्स होती हैं, वासनाएं, प्रेम नहीं होता. उसको आप नाम देते रहो प्रेम का, नाम देने में क्या रखा है.
Use the mind, use the mind, use thought. हम वैसे तो हमारा जो रैंडम थॉट है वो इतनी छलांगे मारता रहता है, और थिंकिंग का जो सही इस्तेमाल है वो क्यों नहीं कर सकता मन? मन वैसे तो बड़ा एनालिसिस के लिए तैयार रहता है, और अपना ही एनालिसिस क्यों नहीं कर सकता, आत्मशोधन क्यों नहीं कर सकता? मन वो करे जो काबिलियत उसमें है, मन में ऑब्जेक्ट्स का एनालिसिस करने की काबिलियत है, और मन स्वयं भी एक ऑब्जेक्ट है, उसे उसका एनालिसिस करने दो और गहरी जांच पड़ताल करे, वो पूरी जांच पड़ताल करे, इस क्षण में भी उसे देखे, स्मृतियों से भी देखे, सब कुछ देखे, अतीत में कैसा था ये भी देखे, जाने दो उसे समय में, समय के अलावा रहता भी कहां है, सब कुछ करने दो जो वो करता है, उसका एक ही उचित प्रयोग है कि वो अपनी हरकतों को फिर समझ जाएगा, अपनी लिमिट को पहचान लेगा। लिमिट के पार क्या है इसका मन कुछ अंदाजा नहीं लगा सकता, क्योंकि मन का अर्थ ही है उसकी लिमिट, उसके पार कुछ भी नहीं। एक बड़ी प्यारी कहानी है सूफियों की, लिमिट। एक सूफी था, उसका शिष्य था एक, तो उसका रहे खूब परेशान करे, सत्य जानना है, ट्रुथ क्या है जानना है, वो परेशान हो गया। उसने कहा तू अभी नहीं इस काबिल है, अभी तो तू वो कर जो तुझे बताता हूं, एक दिन तेरा समय आएगा जान जा। नहीं, जल्दी जानना है, अभी जानना है। अब जल्दी का तो अर्थ ही है समय, तुम्हें समय में जी रहा है। पर जब इसने इतना परेशान किया, उसने कहा अच्छा तू जा और जहां दुनिया का अंत होता है वहां पहुंच जा, और उसके पार जो है तुझे सत्य मिलेगा। जहां दुनिया का अंत होता है वहां पहुंच जा, उसके पार तुझे सत्य मिलेगा। तो ये चल दिया, एक साल भटका, पांच साल भटका, लोग कहते तू कर क्या रहा है? बोले जहां दुनिया अंत होती है उस जगह जा रहा हूं, उसके पार सत्य मिलेगा। लोग कहे पागल? बोले पागल वागल नहीं, जानता मुझे जानना ही है, इसके अलावा गुरु ने कहा है, गुरु ने कह दिया हम तो वहीं जाएंगे। भटकते भटकते एक दिन पहुंच भी गया, एक गांव पहुंचा, लोगों ने कहा हाँ दुनिया का अंत उधर ही होता है, थोड़ा आगे वहां इधर तख्ती भी लगी हुई है कि हाँ दुनिया का अंत होता है, पर उसके पार क्या है ये मत देखना। बोलता है इसी की तो तलाश में थे, और तुम कह रहे हो पार मत देखना, इसी के लिए तो भटक रहे थे 20 साल से कि सत्य दुनिया के पार है। तो जाता है, वहां तख्ती लगी हुई है, दुनिया का अंत होता है यहां पे, वो उसके पार देखता है, करीब करीब बेहोश हो जाता है, क्योंकि उसके पार है महाशून्य, जिसमें ना कोई आकार है, ना रोशनी है, ना आवाज है, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे मन समझ सके, मन उसकी ओर देखता है और हैरान कि कुछ नहीं जान पा रहा, कुछ नहीं समझ पा रहा। दुनिया तो खत्म हो गई, पर उस पार क्या है ये मन बिल्कुल नहीं जान पा रहा। भागता है वहां से, जहां तक 20 साल की यात्रा करके पहुंचा था वापस 15 दिन में पहुंच जाता है, इतनी स्पीड से भागता है, सुपर स्पीड गुरु के पास वापस। गुरु पूछता है क्या हो गया, मरा हुआ सा क्यों लग रहा है? बोलता है उसके पार तो कुछ है ही नहीं। गुरु बोला इतनी जल्दी थी भाग आने की, तख्ती के दूसरी तरफ क्या लिखा था ये नहीं पढ़ा? तो बोलता है अरे पढ़ने की, मैं बिना खाए बिना पिए 15 दिन दौड़ता हुआ आपके पास आ गया, जिंदा हूं, बहुत है, पढ़ने की किसको पड़ी थी। बोलता दूसरी ओर देखता तो लिखा रहता है, लिखा है वहां पे कि जहां मन खत्म होता है वहां से सत्य शुरू होता है, मन से मत देखना उसको। तूने मन से क्यों देख लिया? जहां मन खत्म होता है वहां सत्य शुरू होता है, उसको मन से मत देखना। क्यों देख लिया तूने मन से? सत्य जबरदस्ती करके पाई जाने वाली बात नहीं है, न प्रेम न मुक्ति, ये सब एक ही है, न आनंद,
प्रेम, मुक्ति, आनंद, सत्य, ये सब जबरदस्ती करके, कोशिश करके, और कोशिश हमेशा अपने साथ एक जबरदस्ती लाती है। ये कोशिश करके पाई जाने वाली चीजें नहीं है। कोशिश करके आप मन के सिरे तक पहुंच जाओगे, जैसे वो पहुंच गया, पर सत्य नहीं पाओगे। वो तो तब मिलेगा जब मन शांत हो जाए और फिर श्रद्धा की आंखों से दिखाई पड़ता है। समझ में आ रही है बात? पर हां, इतना भी करना पड़ेगा कि उस सिरे तक खुद चल के जाना पड़ेगा, कलेख लिख के डालिए फेसबुक पे कि तुम्हारे एफर्ट से तुम्हें नहीं मिलेगा, पढ़ा है? पर बिना एफर्ट के भी नहीं मिलेगा। तुम एफर्ट से बस इतना कर दो कि मन को खाली करो, वो लगता है एफर्ट, उसमें बड़ी कोशिश लगती है। तो एफर्ट करके इतना करो कि मन को खाली कर दो, और उसके बाद शांत हो जाओ, चुप हो जाओ। बात आ रही है समझ में? ये जो शांति है, ये जो चुप्पी है, कि मैंने मन को जान लिया, ये जान लिया कि जिसको मैं अपना संसार समझता था, ये तो झूठा है। पर सच्चा क्या है उस पे मैं अतिक्रमण नहीं करूंगा, मैं उसको मन की कल्पनाओं में नहीं बांधने की कोशिश करूंगा। अब उसके लिए बस प्रस्तुत खड़ा हूं, अपना नकलीपना देख लिया, अब सत्य जब दिखता हो तब दिखे। ठीक? इफ अ फूल बी एसोसिएटेड विद अ वाइस मैन इवन ऑल हिज लाइफ, he will perceive the truth as little as a spoon perceives the taste of soup. वो जो वाइज मैन है वो उस फूल के लिए वाइज नहीं है, ये याद रखें। क्या फूल की दृष्टि में वो वाइज है? हो सकता है कहता भी हो, ऊपर ऊपर से कहता होगा, पर क्या वाकई वो उसे वाइज समझता है? कहीं ना कहीं वो अपने आप को ही वाइज समझता है। उसको यही कहता होगा कि यार दुनिया तुझे कहती होगी, पर मुझे पता है कि सबसे शाणा तो मैं ही हूं। और हम ईमानदारी से अपने भीतर झांकेंगे तो हम सब अपनी दृष्टि में सबसे ज्यादा शाणे हैं, सबसे ज्यादा होशियार हम ही हैं। कहा होगा बुद्ध ने कुछ भी, ऊपर ऊपर से मान लेंगे पर अंदर ही अंदर अपनी करेंगे, ये क्या सिद्ध करता है? बुद्ध ने कुछ कहा उसको ऊपर ऊपर से मान लिया, अंदर अंदर अपनी चला रहे हैं, ये क्या सिद्ध करता है कि मन क्या कह रहा है? बुद्ध ज्यादा शाणे हैं मैं? और हम सब बुद्धों की बात मानने से लगातार मना करते हैं और अपनी अपनी अंदर अंदर चलाते हैं, इससे क्या सिद्ध होता है? कि तू जो कहता होगा तो कहता होगा बेटा, मुझे पता है, सुननी सबकी करनी अपनी, उससे ज्यादा शाणा कोई नहीं, सबसे होशियार तो मैं ही हूं। वैसे भी मैं जो बताऊंगा आप करोगे तो अपनी मन की मेरे बताने से होगा भी क्या? जब आपको चलना अपनी धारणाओं पर ही है तो आप बुद्धों की सुनते भी क्यों हो? टूल होता है तुम्हें तुम्हारे भीतर ले जाने के लिए। मैंने जो कहानी बोली वो तुम्हें तुम्हारे भीतर ले जाएगी। तुम एक ऐतिहासिक घटना मुझसे पूछ रहे हो, ऐतिहासिक घटना का कोई महत्व नहीं है। कई कारण है। पहली बात यह कि इतिहास तुम्हें पूरा पूरा पता नहीं। रामकृष्ण मूर्ति पूजक नहीं थे, बाहर बाहर से भले दिखता हो कि काली के चरण में पड़े रहते थे, उसी काली की वो गर्दन काट चुके थे, बाहर बाहर से भले लगता हो। दूसरी बात, जिस किसी ने भी जाना है उसने हमेशा जाना है कि वो जो है वो निराकार ही है, उसको कोई आकार नहीं दिया जा सकता, किसी मूर्ति में उसे बांधा नहीं जा सकता। ठीक है, इतिहास किसी काम का नहीं है। रामकृष्ण ने विवेकानंद से क्या कहा, इससे तुम्हें कोई मदद मिलती हो तो है किसी काम का, वरना उसकी कोई, बस वो गॉसिप है, पूरा पूरा गॉसिप है। अरे होंगे कोई रामकृष्ण, होंगे कोई विवेकानंद, उसे तुम्हें क्या मिल रहा है? क्या मिल रहा है? हाँ, मन को एक मसाला मिल जाता है कुछ चबाने के लिए, वही धर्ममचर कर जुगाली। और हम सोचते हैं कि ये सब कुछ धार्मिक बातें कर रहे हैं हम, कि फलाने ने उससे क्या कहा और उससे क्या कहा। हम जैसे हैं ऐसा होते हुए रामकृष्ण को समझ जाएंगे? हमें हक क्या बनता है उस रामकृष्ण की बात करने का? वो बात हमें हमारे भीतर ले जाए तो ठीक,
पर एक मानसिक खुजली बन के रह जाए तो क्या कोई फायदा? पर बहुत महत्व देते हैं हम इन सब बातों को, फलाने ने फलाने से क्या कहा, इसने उससे क्या कहा, ये क्या हुआ, वो क्या हुआ, उस बात में और इन सब बातों में कि तुम्हारा पड़ोसी किसके साथ नान मटक्का कर रहा है कोई अंतर नहीं है, सब गॉसिप है। गॉसिप को यही मत मानना कि दो जने बैठ के मूंगफली चबा रहे हैं और कुछ हो सकता है दिखे ये कि बड़ी गहरी गंभीर चर्चा हो रही है, वो भी गॉसिप ही है, वो भी गॉसिप ही है। हम अभी नहीं जानते हैं कि निराकार शब्द से क्या अर्थ है। तुम कुछ भी निराकार को जानते हो? तुम्हारा मन निराकार को कुछ भी जानता है सिवाय एक शब्द के? मन में कुछ भी ऐसा है जो निराकार है? बताओ ना मुझे, मन में किसी भी ऐसी चीज को लाओ जो निराकार है, लाके दिखाओ। तो फिर निराकार शब्द का क्यों प्रयोग कर रहे हो? इट्स लाइक अ पॉइंटर विच पॉइंट्स एट नथिंग। बेकार ही है ना शब्द वो। आप एक सॉफ्टवेयर लिखो जिसमें एक पॉइंटर है विच पॉइंट्स एट नथिंग, ये निराकार शब्द वैसे ही है। जब तुम निराकार को जानते नहीं तो इस शब्द का प्रयोग करना तो बड़ी एब्सर्ड बात है। कि वो सगुण ब्रह्म को पूछते थे, वो निर्गुण को पूछते थे, है निर्गुण, निर्गुण किस निर्गुण को जानते हो भाई? थोड़ा सा पता करें पहले, उसके बाद, नहीं तो ये बातें बड़ी मजेदार होती हैं, बड़ी लच्छेदार, बिल्कुल बहलाने फुसला के बड़ा आनंद आएगा। और कुछ बहुत दिनों तक बात करोगे तुम्हें ऐसा लगने लग जाएगा कि तुम रामकृष्ण के बारे में कुछ जानते हो, और फिर तुम्हें किताब भी लिख दोगे, रामकृष्ण एंड विवेकानंद स्पेशल रिलेशनशिप बाय सुधांशु नहीं, फिर तुम सुधांशु आनंद बनोगे। सुधांशु आनंद, और तुम्हें खुद भी यह लग गया कि मैं जान गया हूं। अभी तो तुमने पूछ लिया और मैंने तुम्हें बोल भी दिया और तुमने सुन भी लिया। जब तुम ऐसे दाढ़ी वाड़ी बना लोगे और ऐसे होके बैठोगे तब मजाल मेरी कि तुमसे कुछ बोल दूं और सुन लो, बड़ी दिक्कत हो जानी है। If a fool be associated with a wise man even all his life, he will perceive the truth as little as a spoon perceives the taste of soup. Diogenes की बड़ी मस्त कहानी है। Diogenes की हम चर्चा पहले भी कई बार कर चुके हैं। असल में हम सबको Diogenes के जीवन संबंधित जो कहानियां वो पढ़नी चाहिए। उसकी बहुत ज्यादा नहीं है, 10-12 कहानियां हैं, पर आप गूगल करेंगे और पढ़ेंगे तो मजा आ जाएगा। एक तो उसका संबंध सिकंदर से है, ये बिल्कुल सिकंदर का कंटेम्प्रेरी था और इसकी कई कहानियों में सिकंदर का जिक्र आता है। कोई प्रामाणिक स्रोत नहीं है, ये सब फोकलोरी है डायोजनीस की, कुछ लिखा हुआ कहीं ऐसा नहीं है, सुनी सुनाई बातें हैं, पर जितनी भी बातें हैं बड़ी मजेदार है। एक हम पहले एक बार चर्चा करी थी ना कि वो डायोजनीस बाहर नंगा रहता था, पूरा नंगा रहता था, वो लेटा रहता था इनके कपड़े में, डब्बे में, तो वो थी एक कहानी और सुनी डायोजनीस की। डायोजनीस खुद भी बड़े संपन्न घर से था, अच्छा पढ़ा लिखा था, खूब पैसे वाला था, ये सब होते हुए उसने छोड़ा था, और ये झटके में नहीं छोड़ा था, धीरे 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 उसका छूटता गया था, छूटते गया था, फिर पूरा ही नंगा भी हो गया था, पूरा ही नंगा भी हो गया था, सब छूटता जा रहा था, एक चीज उसकी नहीं छूट रही थी, एक उसने अपना नौकर रखा हुआ था, तो ये मुनि भी बन गया था तो एक नौकर साथ चलता था इसके, क्योंकि बचपन से ही आदत ही नहीं थी अपनी देखभाल करने की। एक अपने साथ कटोरा रखता था, कटोरा कौन धोए, तो नौकर धोता था, रात में लेटने जाए तो हमेशा से आदत थी कि कोई थोड़ा सा हाथ पांव दबा दे तो उसके लिए रखा हुआ है। पर नौकर भी कोई प्रेम कारण तुम्हारे पास रहता नहीं, नौकर नौकर ही जैसा है। अब जब इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, ना इनके पास रुतबा बचा ना पैसे बचे, तो नौकर क्यों इनके साथ रहे? एक दिन नौकर भी छोड़ के निकल लिया इनको,
तो इनके साथ जो और लोग थे डायोजनीस के साधु, उन्होंने कहा नोटिस पीरियड दिया इसने? उन्होंने कहा नहीं दिया। उन्होंने कहा लीगल नोटिस भेजो, भाग कैसे गया, पकड़ो इसको, पकड़ने जाओ। तो डायोजनीस ने कहा कि अगर वो मेरे बिना रह सकता है और मैं उसके बिना नहीं रह सकता, तो फिर मालिक कौन, नौकर कौन? अगर वो मेरे बिना रह सकता है तो फिर शायद मैं भी उसके बिना रह सकता हूं, और अगर वो भाग रहा है मैं पीछे पीछे भाग रहा हूं, तो फिर तो मालिक वो हो गया। आ रही बात समझ में? डायोजनीस ने नौकर के प्रकरण से भी कुछ सीख लिया, और नौकर जिंदगी भर डायोजनीस के साथ है, कुछ नहीं सीख पाया। जिसकी आंख होगी उसके लिए पूरा अस्तित्व तो गुरु बन जाता है। जिसके आंख होती है वो हमेशा हर जगह से सीखता है, जिसके नहीं आंख है वो डायोजनीस के पास भी है तो भी कुछ नहीं सीख सकता। ठीक डायोजनीस के पास है, दिन रात उसके साथ चल रहा है और उसे छोड़ के भाग रहा है, उसे छोड़ के भाग रहा है। तुम किसको छोड़ के भाग रहे हो? डायोजनीस को भाग रहा है। फर्क नहीं पड़ता तुम किसके पास हो, तुमने फैसला ही कर लिया है कि मूड बने रहना है तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तुम्हें अपना जो कदम बढ़ाना है वो तो बढ़ाना होगा। एक कदम तुम जब अपना बढ़ाओगे तब अस्तित्व तुम्हारी ओर 10 कदम बढ़ा दे, ठीक, तुम्हें बहुत कुछ ऐसा मिल जाएगा जिसकी तुम कल्पना नहीं कर सकते, ठीक। पर जो तुम्हें एक कदम बढ़ाना है वो तुम कब बढ़ाओगे, कब बढ़ाओगे? मत बढ़ाओ तो फिर जैसे सूप में चम्मच पड़ा रहता है, कुछ पाता नहीं है, कुछ नहीं पाओगे। कोई तुम्हारे सेशंस में आए तो बहुत संभव है कि उसे अनपेक्षित कुछ मिल जाए, पर जिसने फैसला ही कर लिया है कि HIDP में घुसूंगा ही नहीं, उसको तुम क्या बारिश करोगे या उसके घर में घुस के उसको देके आओगे? बात समझ में आ रही है? और बहुत ऐसे भी हो सकते हैं जो तुम्हारे बहुत करीब हो पर उनको कुछ भी दे पाना तुम्हारे लिए संभव ना हो। आजकल ये दुविधा यहां कई लोगों के साथ चल रही है कि जो सबसे करीब है उन्हीं कुछ बताना सबसे मुश्किल है। औरों को तो हम समझा लें जो दूर के हैं, जो करीब वाले हैं वो कहते तू समझाएगा। ये मुंह मसूर की दाल, जैसे जीसस ने कहा है ना कि एक प्रॉफिट कभी भी अपने गांव में नहीं पूजा जाएगा, बाकी पूरी दुनिया उसकी बात मान ले, उसके अपने गांव के लोग उसकी बात कभी नहीं मानेंगे। तू हंस क्या रहे हैं, यही हो रहा है। और मैं कह रहा हूं चुप रहो, बोलो ही मत। जब आज तक नहीं हुआ तो तुम कोई अपवाद हो कि तुम्हारी बात तुम्हारे घर वाले सुन लेंगे? घर वाले तुम्हारे मुंह से सुन के कभी भी नहीं जानेंगे, वो किसी और की सुन के जान सकते हैं। इसका क्या रीजन होता है? मन भरा हुआ है ना, वो तुमको कभी भी गुरु की तरह देख नहीं सकते ना, तुम बेटे हो उनके, तुम बेटे हो, मन भरा हुआ है इस बात से। बहुत कोई विलक्षण आदमी चाहिए जो इस काबिल हो जाए कि अपने बाप को पढ़ा सके, और उससे भी ज्यादा विलक्षण बाप चाहिए जो इस काबिल हो जाए कि अपने बेटे से सीख सके। सर बेटे से नहीं सीखेगा, बाहर किसी और छोटे से सीखेगा। हाँ सीख लेगा, तो इसीलिए कहता हूँ यहाँ ले आओ। तुम नहीं सिखा पाओगे कभी नहीं, यहाँ हो जाएगा। वो तो कुछ जुगत लगानी पड़ेगी, सीधे सीधे बोलोगे तो नहीं, कुछ और बोलना पड़ेगा। इतिहास में बहुत कम ऐसा हुआ है। मोहम्मद के साथ हुआ था, पहली मुसलमान उनकी पत्नी थी, और ये बहुत बहुत कम होता है। बुद्ध बहुत बाद में जाके यशोधरा को पास साथ ले पाए। बुद्ध जब घर पहुंचे तो पिता ने लगाया चमाट पटाक, पूरी दुनिया कह रही है बुद्धम शरणम गच्छामी,
और बापू चमाट लगा रहे हैं घर पहुंच रहे हैं तो, और तुम किस खेत की मूली हो भैया कि तुम्हें जाओगे घर, तो महाराज आ गए हैं ये अलोननेस पढ़ते हैं। अब बीवी भी तैयार नहीं, आनंद को बीच बचाव करना पड़ा मुंह नोचने को 12 साल। और सवाल भी वो बड़े घातक पूछ रही है, बोल रही है बाहर जाके ऐसा क्या पाया जो घर में रह के नहीं पाते, और अगर बाहर से पाए हो तुम बुद्ध कहे के। और बुद्ध चुप और ऐसे ऐसे इशारा कर रहे आनंद को, अरे तू बचा। लड़का जब छोड़ के गए थे तो 7-8 साल का था, जब लौट के आएंगे तो जवान मुस्टंडा हो गया होगा, वो और तैयार खड़ा होगा, माँ ने उसको बिल्कुल तैयार किया होगा कि दिख जाए तो लगाना, सारा बुद्धा तो भुला जाएगा, सब दो चार बड़े कड़े हाथ पड़ने चाहिए, सब भूल जाएगा। बहुत मुश्किल है घर वालों के साथ, तुम्हारी ओर से भी मुश्किल है, क्योंकि पिता से बात करना और ऐसे ही बात करना जैसे पिता ना हो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, और तुमसे ज्यादा मुश्किल है पिता के लिए कि तुमको सुनना और ऐसे सुनना जैसे बेटे को ना सुन रहे हो। अपने घर में हर कोई हारा है, कौन जीता है। कृष्ण गए थे कौरव पांडव की सुलह कराने, और महाभारत के बाद क्या हुआ हम सब जानते हैं, क्या हुआ था, सारे यादव आपस में लड़के मरे और कृष्ण बैठे हुए कुछ नहीं कर पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे। गए थे दो पक्षों में सुलह कराने और यहां आपस में सब लड़के मरे, उनके पूरे कुल का महाविनाश हो गया, कृष्ण नहीं रोक पाए। अपने घर में बड़ा मुश्किल है। उनके जब फादर बुद्ध से कहते हैं कि तुम कुछ सवाल पूछते हैं, बुद्ध कहते हैं आप जिस जो गया था वो वापस नहीं। अब बुद्ध ने इस तरह दाएं बाएं करा नहीं है, जो गया था वो वापस नहीं आया, और जो आया है वो गया नहीं था। उसे बोलता है मैं बेटा ही नहीं हूँ तुम्हारा, जो गया था वो बेटा, तुम्हारा मैं थोड़ी हूँ। महावीर को इतने दिनों तक जाने नहीं दिया उनके घर वालों ने, बाप जिंदा थे पूछा चले जाऊं तो बाप बोलते हैं मेरी लाश पे जाना, मर जाऊं तू निकलेगा तू घर से, मैंने राज्य किसके लिए कमाया है। तो महावीर ने कहा ठीक तुम मर जाओ तब निकलेंगे। तो मर गए बाप, जब बाप मर गए तो माँ के पास गए, बोले बाप ने कहा था जब मर जाऊं तो चले जाना, तो मर गए हैं तो चला जाऊं, तो माँ ने कहा मेरी लाश पे, मैं मर जाऊं तो जाना, तो उन्होंने कहा ठीक तुम मर जाओ तो जाएंगे। तो माँ भी मर गई, जब माँ मर गई तो बड़े भाई के पास गए, बोलते बाप भी मर गया माँ भी मर गई, इन्हीं यही दोनों बोल रहे थे जब मर जाए तो जाना। तो भाई बोलता है अरे ना माँ बची ना बाप बचा, मुझे अकेला छोड़ के जाएगा अब, जब वो थे तब चला था तब भी समझ में आता अब मैं कितना अकेला रह गया हूँ, कैसे संभालूंगा ये सब कुछ, रुक। तो बोलते हैं अच्छा ठीक है रुके ही रहते हैं तुम बोलते हो तो। अब वो रुके हुए हैं पर ना काम के ना धाम के, मन तो उनका लग गया था बाहर कहीं, मन लागो यार फकीरी में, मन तो फकीरी में लगा हुआ है। तो भाई ने एक दिन थक हार के कहा तू निकल ही जाए यहां से, वैसे भी यहां रह के किसी काम का नहीं है। तो फिर इस तरह से उनको बेचारों को मुक्ति मिली, निकलने को पाए। क्या अंतर है दोनों में, इंटेलिजेंट, पहली बार 3 शब्द आ गए हैं, फूलिश मैन, इंटेलिजेंट मैन और वाइज मैन। बुद्ध ने अंतर करा है, क्या है ये अंतर। तीन तरह के शिष्य होते हैं जो बुद्ध ने बोला था, जो एक तो खुद समझ जाए, एक को थोड़े पुश की जरूरत है, और एक समझेगा ही नहीं चाहे कुछ हो जाए। हाँ, पर यहाँ पे बुद्ध ने इंटेलिजेंट शब्द का प्रयोग हम जैसे आमतौर पे करते हैं उसे थोड़ा अलग करा है, उन्होंने एक तीसरी श्रेणी खड़ी करी है वाइज मैन की। वाइज मैन बुद्धा हुए, चलो ठीक, इंटेलिजेंट मैन क्या हुआ, जो बीच में है
जैसे समुद्र मतलब जो नदी पार कर रहे हैं करीब 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 ऐसी ही बात है। इंटेलिजेंट मैन वो कि जिसने कम से कम नीति नीति की प्रक्रिया कर रखी है, जिसका मन शार्प हो। बात समझ में आ रही है? फूल वो जिसको भीतर जाना, नीति नीति बाहर थोड़ी करोगे। फूल वो जिसको भीतर जाना आता ही नहीं, जिसको फॉल्सनेस दिख गई है वो इंटेलिजेंट। वाइज वो जो फॉल्सनेस के भी बियॉन्ड श्रद्धा के क्षेत्र में पहुंच गया है, जिसको प्रेम उपलब्ध हो गया है। बात समझ में आ रही है? इंटेलिजेंट बनने तक बात हमारे हाथ में है, हम बन सकते हैं इंटेलिजेंट। बुद्ध के प्रयोग में, जिस तरीके से यहां पे बुद्ध का प्रयोग हुआ, बुद्ध जिसको इंटेलिजेंट कह रहे हैं, वो इंटेलिजेंट हासिल की जा सकती है एफर्ट के द्वारा, कोशिश के द्वारा। विजडम नहीं हासिल की जा सकती, विजडम ग्रेस है। तुम्हारा वही मन जो बाहर कूदता रहता है, जब वो अंतर्गामी हो जाता है तो इंटेलिजेंस है। और मन जब अपनी हदों को स्वीकार करके झुक जाता है विनम्रता में, समर्पण में, तो फिर जो निकलती है वो विजडम है। बात समझ में आ रही है? इंटेलिजेंस एक नकार है, निगेटिव में है इंटेलिजेंस, वो काटती है गंदगी को। और विजडम एक पॉजिटिव एंटिटी है, विजडम प्रेम है, विजडम स्वीकार है पूरे अस्तित्व का। समझ में आ रही है बात? इंटेलिजेंट बनो, उसके बाद वाइज मैन का थोड़ा सा संपर्क मिलेगा, इशारा मिलेगा, और बस काम हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? जैसे समझो कि तुम्हें एक मशाल जलानी है, आग नहीं तुम्हारे पास, लेकिन इतना तो कर सकते हो ना कि मशाल की पूरी तैयारी करके रखो। फिर आग आएगी कहीं बाहर से, थोड़ा सा छुआएगी तुम्हारी मशाल को और वो जल जाएगी। बात समझ में आई? तुमने जलाई नहीं, पर तैयारी तुम्हारी पूरी थी। तैयारी करके रखो, उतना तो तुम्हारे हाथ में है ना, बस इतनी यही कह रहे हो। और फूलिश कौन है? वो कह रहा है मशाल भी कोई देगी जाए, बाहर ही सब कुछ है तो रोशनी मशाल सब बाहर से ही मिल जाएगी। वही डोमिनोज वगैरह में ऑर्डर कर रहा होगा, वन मशाल विद एक्स्ट्रा चीज, बाहर से ही आ जाए, ये भी कुछ सीजनिंग वीजनिंग डाल के मशाल, सत्य भी बाहर से उपलब्ध हो जाएगा। क्यों भाई, 30 मिनट में, और नहीं हुआ तो उसके पैसे भी नहीं देंगे। जो डिलीवर करने आया डोमिनोज का पिज्जा, उसे कहे यार अंदर ही ले आ, अब चल खोल दे। हमारा गुरुओं के प्रति भी तो रवैया यही है, खिला दे कि आपने ऑर्डर करा है कोई डिलीवर कर देगा। विजडम भी आप ऐसे ही चाहते हैं कि उपलब्ध हो जाए। समर्पण नहीं करना है, आदेश देना है, हक जताना है। आई एम एंटाइटल्ड टू विजडम। यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू एनीथिंग, सॉरी। अस्तित्व को तुम्हारे होने में ही कोई रस नहीं है, एंटाइटलमेंट कैसा? हां, झुकोगे तो पार जाओगे, हक मानोगे अपना तो कुछ नहीं पाओगे।